स्टूडेंट्स, तो आज का हमारा क्वेश्चन है, विच नंबर इज लार्जर। आपको बताने की 33 पावर 44 और 44 पावर 33 में से कौन सा नंबर ग्रेटर है। तो देखिए स्टूडेंट्स, कैसे सॉल्व करेंगे मैं इस वाले क्वेश्चन को। तो स्टूडेंट्स, आपको पता है कि 81 इज ग्रेटर देन 64 एंड 81 को मैं लिख सकता हूँ स्टूडेंट्स 3 पावर 4 इज ग्रेटर देन 4 पावर 3। नाउ स्टूडेंट्स, आपको पता है कि 11 पावर 4 इज ग्रेटर देन 11 पावर 3। तो ये नंबर ग्रेटर है, ये वाला नंबर स्मॉलर है। तो और ये वाला नंबर इधर ग्रेटर है। ग्रेटर नंबर में मैंने ग्रेटर नंबर से मल्टीप्लाई किया स्टूडेंट्स 11 पावर 4 से, एंड स्मॉलर नंबर में मैंने स्मॉलर नंबर से मल्टीप्लाई किया, तो भी यही वाला नंबर ग्रेटर रहेगा। क्लियर स्टूडेंट्स? तो ये मैंने इधर 11 पावर 4 से मल्टीप्लाई किया, इधर 11 पावर 3 से, तो इनइक्वालिटी का साइन चेंज नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि ये नंबर पहले से ग्रेटर है। अब आपको पता है स्टूडेंट्स, ए पावर एम इंटू बी पावर एम दिस इज इक्वल्स टू ए बी पावर एम। तो स्टूडेंट्स, जब मैं इस प्रॉपर्टी का यूज करूंगा, इधर आएगा 11 × 3 यानी 33 पावर 4 इज ग्रेटर देन 4 × 11 यानी कि 44 पावर 3। नाउ स्टूडेंट्स, आपको पता है कि ए इज ग्रेटर देन बी, देन ए पावर एम इज ग्रेटर देन बी पावर एम, वेयर एम इज पॉजिटिव। कि अगर m कोई पॉजिटिव इंटीजर है स्टूडेंट्स, तो a की पावर m b की पावर m से क्या होगा? बड़ा होगा। तो मैंने दोनों तरफ पावर 11 ले ली, इधर भी पावर 11 ले ली और इधर भी पावर 11 ले ली। अब मैंने इस प्रॉपर्टी का यूज किया कि a पावर m ब्रैकेट पावर n दिस इज इक्वल्स टू a पावर m इंटू n। तो स्टूडेंट्स, जब मैं इस प्रॉपर्टी का यूज करूंगा यहां पर, तो हमारे पास आएगा 33 पावर 4 × 11 यानी 44 इज ग्रेटर देन 44 पावर 33। तो ये हमारा आंसर आ जाएगा स्टूडेंट्स। तो स्टूडेंट्स, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल एंड थैंक यू।